वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से आप पावर पॉइंट में कार रेसिंग एनिमेशन बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा पावर पॉइंट में और इसके पेज सेटअप को 16:9 पे सिलेक्ट करना होगा, जिससे हम जब स्लाइड शो देखेंगे तो वो फुल स्क्रीन में दिखाई देगा। अब इसके लिए हमें कुछ पिक्चर इंसर्ट करने होंगे, जैसे कि एक मैं ये सिटी स्ट्रीट का पिक्चर है उसे इंसर्ट करता हूँ और इसे पूरा इसमें फिल अप कर देता हूँ। थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं और इसे स्ट्रेच करके राइट साइड में छोड़ देते हैं। इसे मैंने इसलिए स्ट्रेट किया, जब मैं इसमें एनिमेशन अप्लाई करूँगा तो ये जो बिल्डिंग है ये लेफ्ट की ओर मूव करेगी एनिमेशन में, क्योंकि जब कार यहाँ पे रहेगी, कार यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कार आगे की तरफ जाएगी राइट की तरफ, तो ये बिल्डिंग जो है पीछे की तरफ जाएगी लेफ्ट की तरफ। तो इसके लिए मैंने इसे स्ट्रेच किया है। अब इसके लिए मैं फिर जाता हूँ इंसर्ट पे और कुछ कार को सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले इस कार को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये कार जो है इसका बैकग्राउंड है वाइट है, तो इसे ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम जाते हैं ग्रे कलर पे, सेट ट्रांसपेरेंट कलर, और एक वाइट जो कलर है उस पर क्लिक कर देंगे तो ये इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसे स्मॉल करके हम यहाँ पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अगेन हम एक दूसरा कार इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट में जाएंगे पिक्चर में और एक दूसरा रेसिंग कार इसे इंसर्ट करते हैं। इसका भी बैकग्राउंड वाइट है तो इसे ट्रांसपेरेंट करने के लिए जाएंगे री कलर पे और सेट ट्रांसपेरेंट कलर और एक क्लिक कर देंगे, ये इसका भी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब ये आगे में है और तो इसे जो है फिट अभी नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसे हम इस कार के पीछे भेज देंगे। तो इसे सिलेक्ट करेंगे नए कार को और सेंड टू बैक पे क्लिक कर देंगे, तो ये पूरा बैक पे चला गया है। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और इसे भी सेंड टू बैक कर देंगे, तो ये डिफाइन हो चुका है अपने प्लेस पे। अगेन हम एक बाइक को इंसर्ट करते हैं, इसका भी बैकग्राउंड व्हाइट है तो इसे भी रीकलर करके सेट ट्रांसपेरेंट कलर क्लिक एंड ये भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब इन तीनों पे मुझे चारों पे एनिमेशन अप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं इस बैकग्राउंड पे एनिमेशन अप्लाई करता हूँ। तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे एनिमेशन में, फिर कस्टम एनिमेशन, और उसके बाद जाना है हमें एड इफेक्ट। एड इफेक्ट में जाने के बाद मोशन पाथ और लेफ्ट, तो ये लेफ्ट की तरफ चला गया। इसका जो रेड इंड है इसे हमें स्ट्रेच करना है और स्ट्रेच करके यहां तक ले जाना है। उसका एनिमेशन आप देख सकते हैं किस तरह से होगा, ये थोड़ा यहां से हिलकर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये जो मैंने स्ट्रेच किया ये सीधा नहीं है, तो इसे मैं सीधा करूंगा। अब इसे प्ले करते हैं तो ये सीधा जा रहा है। अब इसके कार्ड पे हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले इस कार्ड पे अप्लाई करेंगे, ये राइट साइड में जाना चाहिए। तो अगेन एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, एड इफेक्ट, मोशन पाथ और राइट, ये राइट तरफ चला गया और इसे हम स्ट्रेच करके रेड इंड को इस ग्रीन स्टार्ट पॉइंट का जो है उसके पैरेलल जाकर छोड़ देंगे।
अब इस बाइक में सिमिलरली एनिमेशन डिसाइड करेंगे राइट की तरफ। अब इसे भी बाकी कार के पैरेलल लाइन ले जाकर छोड़ देंगे। अब इन जो सब है इन सब को सिलेक्ट करेंगे एक साथ बाय प्रेसिंग शिफ्ट, एक इनको सिलेक्ट करेंगे या फिर दूसरे इनको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट जो है ऑन क्लिक है, इसे मैं विथ प्रीवियस सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके साथ सारा जो एनिमेशन होगा वो एक साथ प्ले होगा। अब यहाँ पे हमें दिखाना है एक कार को फास्ट, दूसरा कार को उससे स्लो और तीसरा बाइक को उससे भी स्लो। तो इसके लिए हम जाएंगे जो ये फर्स्ट एनिमेशन है इसका टाइमिंग सिलेक्ट करेंगे डिले, इसे 0 सेकेंड छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो है उसकी टाइमिंग को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम सिलेक्ट करेंगे 0.5 सेकेंड। ये बाइक है इसकी टाइमिंग को और भी स्लो करेंगे, इसे हम सिलेक्ट करेंगे 1 सेकेंड। तो आप होल एनिमेशन को किस तरह से रहेगा वो देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का एनिमेशन ये तैयार होगा। इसे आप फुल स्क्रीन में देखिए, तो पहले एक कार रीच किया, फिर दूसरा कार, फिर बाइक। तो इस तरह से आप कार रेसिंग एनिमेशन पावर पॉइंट में बना सकते हैं।